एक ऐसा हैकर जिससे पूरी दुनिया डरती है। आप सोच रहे होंगे कि वो चूहों की तरह छुप छुप के रहता होगा। जी नहीं, वो शेरों की तरह खुलेआम घूमता है, जिसका नाम है जूलियन असांज। ये एकलौता शख्स है जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है। मेरा मतलब आम नागरिक से नहीं, मेरा मतलब है नेताओं से, चाहे वो अमेरिका के नेता हो या फिर किसी और देश के। सारे नफरत करते हैं जूलियन असांज से, पर पता है क्यों? विकीलीक्स। विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट जिसको जूलियन असांज ने बनाया था, और इसी वेबसाइट ने बड़े बड़े देशों की सरकारों की मां बहन एक कर रखी है। अगर जो कोई भी इंटरनेट यूज करता है उसने कभी ना कभी विकीलीक्स का नाम सुना ही होगा। उसको पता होगा विकीलीक्स किसी के भी काबू में नहीं है। यहां तक कि अमेरिका भी आज तक विकीलीक्स का कुछ नहीं उखाड़ पाया। पर ये विकीलीक्स है क्या? एलियन से लेकर हर चीज का रहस्य विकीलीक्स पर मौजूद है। वीडियो को पूरा देखना और आपके होश उड़ जाएंगे, और एंड में आप कहोगे क्या बंदा है यार, मजा आ गया। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृत पाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का छुटिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। नॉक सिक्योरिटी, जिसे आप अपने मोबाइल को और अपने मोबाइल में मौजूद डेटा को सेफ रख सकते हो। इसे डाउनलोड करने के लिए अपने प्ले स्टोर में जाएं और नॉक सिक्योरिटी को सर्च करें। इसमें आपको वायरस स्कैन करने के अलावा ऐसे कई फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके मोबाइल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नोटिफिकेशन ब्लॉकर, ऐप लॉकर, वाईफाई सिक्योरिटी, जंक क्लीनर, बैटरी सेवर, गेमिंग मोड और तो और मेमोरी बूस्टर का भी फीचर आपको नॉक सिक्योरिटी में मिल जाता है। और इससे भी कमाल की बात तो यह है कि नॉक सिक्योरिटी में आपको मैसेजेस सिक्योरिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिया हुआ है, अभी जाओ और डाउनलोड करो। दोस्तों, विकीलीक्स एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूज लीक पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट पर। ऐसे ऐसे दस्तावेज जिनको लोगों की नजरों से छिपा कर रखा गया है, विकीलीक्स उन्हें ढूंढ कर लाती है और लीक कर देती है। पर कैसे? दोस्तों, ये लीक्स बिल्कुल अनजान लोगों की तरफ से किए जाते हैं। विकीलीक्स वेबसाइट जूलियन असांज ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, ने आइसलैंड में 2006 में बनाई थी, उसको शुरू किया। जूलियन असांज 1987 में एक हैकर थे, और यह बंदा बहुत ही कमाल का हैकर था। जूलियन असांज ने 1990 के दौरान पेंटागन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नेवी, नासा, मोटोरोला, पैनासोनिक और जेरोक्स को हैक कर डाला। लेकिन 1991 में जूलियन असांज का कट गया चेक। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, पर उनके अच्छे बर्ताव के चलते कुछ ही अरसे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और कमाल की बात तो यह है कि जूलियन असांज 1993 में पुलिस की मदद भी करने लग गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से पढ़ाई के बाद जूलियन असांज ने विकीलीक्स वेबसाइट को शुरू किया। विकीलीक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वॉलंटियर्स रन करते हैं पूरी दुनिया से। पिछले 10 सालों में विकीलीक्स ने इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लीक की है जितना कि पूरी न्यूज मीडिया मिलाकर भी नहीं कर पाई। तकरीबन 1 करोड़ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए विकीलीक्स वेबसाइट के द्वारा। विकीलीक्स का कहना है कि हमारा काम महत्वपूर्ण खबरों को आम नागरिक तक पहुंचाना है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है ओरिजिनल सोर्स से अपने पढ़ने वालों तक वो खबर पहुंचाना, ताकि लोग सच के सबूत देख सकें। कमाल की बात तो ये है कि विकीलीक्स कोई हैकिंग नहीं करती और ना ही खुद खबरों को इकट्ठा करती है, बल्कि विकीलीक्स वाले बीच के मचोले की तरह काम करते हैं। रुको, समझाता हूँ। विकीलीक्स एक्चुअली उन डॉक्यूमेंट्स को न्यूज चैनल वालों तक पहुंचाती है जो कि उन्हें खुद किसी और से रिसीव होते हैं। नॉर्मल लोग आपकी तरह और मेरी तरह उस वेबसाइट पर जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, और विकीलीक्स उन डॉक्यूमेंट्स को पूरी दुनिया के न्यूज चैनल वालों तक पहुंचा देती है, लीक कर देती है। कमाल की बात तो यह है कि इस प्रोसेस के दौरान जो अपलोड करने वाला है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, उसकी पहचान छुपी रहती है और किसी को यह पता नहीं चलता कि डॉक्यूमेंट किसने अपलोड किए और कहां से किए। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। लो, भूल गया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हो, और आपको अंदाजा होता है कि आपकी कंपनी में एक बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। आप उनके सबूत इकट्ठा करते हैं और विकीलीक्स वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर देते हैं, और विकीलीक्स उसे चेक करके पूरी दुनिया में लीक कर देती है, जिसके बाद विकीलीक्स की तो बल्ले बल्ले हो जाती है और उस कंपनी की शावा शावा। पर उससे पहले विकीलीक्स मेक श्योर करती है कि किसी को पता ना चले कि उस डॉक्यूमेंट्स को किसने अपलोड किया। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए भगवान का रूप बन के आई है जो अपने आसपास गलत होता हुआ तो देख रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे। पर अब डरे हुए लोग किसी का भी काट सकते हैं चेक। तो सवाल यह आता है कि अल्लाह, फिर से भूल गया। तो सवाल यह आता है कि विकीलीक्स कैसे किसी शख्स की गुमनामी को बरकरार रखती है। जैसे कि कल को मैं अगर नासा के कुछ डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स पर डाल दूं तो हो सकता है परसों मेरे को एलियन उठा के ले जाए। मोहल्ले वाले भी सोचेंगे जिसको आज तक मेले में नहीं लेके गए उसे आज स्पेसशिप में लेके चले गए। तो विकीलीक्स हमारी प्राइवेसी को कैसे ध्यान में रखती है, और वो भी आज के जमाने में जहां सबसे ज्यादा ट्रैकिंग होती है। तो बता दूं कि जब भी आप विकीलीक्स की वेबसाइट पर जाओगे, आप कौन हो कोई मतलब नहीं। आप विकीलीक्स की वेबसाइट पर जब एंटर करोगे तो आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। किसी को भी यह पता नहीं चलेगा कि आप उस वेबसाइट पर हो या नहीं। तो इस्तेमाल करना
किसी की बैंड बजानी हो तो। विकीलीक्स का मेन सर्वर स्वीडन में मौजूद है, वो भी एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर, और वो भी इसलिए क्योंकि स्वीडन का कानून इस तरह की एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करता है। अमेरिका को तो ऑलरेडी विकीलीक्स पसंद नहीं, और उनमें से तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो जूलियन असांज से नफरत ना करता हो, क्योंकि विकीलीक्स ने सबकी पोल खोल दी है ना। He has to answer for what he has done, at least as it's been charged. This guy's a traitor, a treasonous, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be, and I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I only want to do it, illegally shoot the son of a... Shut it down. Shut it down. It is time to shut down this terrorist organization, this terrorist website, WikiLeaks. Yes, sir. हाथ धो के WikiLeaks के पीछे पड़े हुए हैं। पर इन अन्नी के पुत्रों को यह नहीं पता है कि विकीलीक्स जर्नलिज्म की डेफिनेशन पर पूरी उतरती है, और यूएस सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक विकीलीक्स की एक्टिविटीज लीगल हैं, और इसी वजह से अमेरिका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है जूलियन असांज का। तो अब अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है जूलियन असांज का, तो अब अमेरिका इनडायरेक्ट तरीके इस्तेमाल करके जूलियन असांज की बैंड बजा रहा है। 2010 में मास्टर कार्ड, वीजा, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन और बैंक ऑफ अमेरिका ने मिलकर विकीलीक्स की फंडिंग रोक दी, यानी कि आप इनमें से किसी भी सर्विस से अब विकीलीक्स को डोनेशन नहीं दे सकते थे, जिससे विकीलीक्स की 95% तक फंडिंग रुक गई। अब विकीलीक्स बिटकॉइन द्वारा दी गई फंडिंग्स को इस्तेमाल करता है। 2012 में जूलियन असांज ने लंदन की इक्वाडोर एम्बेसी में पनाह ली और वहीं रहे, लेकिन 2016 में उनके रूम का इंटरनेट ही काट दिया गया। इससे जूलियन असांज किसी को भी ऑनलाइन कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। उससे भी कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका इवन यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इंटरनेट ह्यूमन राइट्स में आता है, मतलब किसी को इंटरनेट एक्सेस करने से रोकना एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहलाता है। और इधर तो जूलियन असांज का सारा इंटरनेट ही काट दिया गया। जब यह पंगा हुआ तो उसके बाद विकीलीक्स ने एक चीज लीक की INA पेपर के नाम से, जो इक्वाडोर प्रेसिडेंट के खिलाफ थी, जिससे उनकी ऑफशोर कंपनी सामने आई, जिससे इक्वाडोर की सियासत में हलचल मच गई। फिर इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने जूलियन असांज पर मिसबिहेवियर इन द एम्बेसी एंड एथिक वायलेशन का इल्जाम लगाकर उन्हें बाहर जाने को कहा, जिसके इनकार पर एम्बेसी ने लंदन पुलिस की मदद ली और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। वो कहते हैं ना, सच्चाई का साथ दोगे तो हमेशा ठोकरें खानी पड़ेगी, वैसा ही कुछ हुआ जूलियन असांज के साथ। उन पर झूठे मूठे कई मुकदमे दर्ज करवाए गए ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। भाई मैं तो खुला सपोर्ट करता हूँ जूलियन असांज को, इस बंदे ने बड़े बड़े नेताओं की पैंट गीली कर दी। क्या आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर अमेरिका की बात करूं तो फिट्टे मुंह अमेरिका थे। आज का सवाल, मैंने इस वीडियो में कितनी बार विकीलीक्स वर्ड का इस्तेमाल किया है, विकीलीक्स 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 कितनी बार बोला हूं, आंसर देना नीचे कमेंट में, और आपको मिलेगा कुछ भी नहीं वैसे तो, आंसर दे देना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक है मैं 81,000 लाइक्स, मुझे पता है कि आप कर दोगे तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टेली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और हाँ, टुकर टुकर मत देखो, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाओ फॉलो कर लो, हमारे साथ जुड़ जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी हो, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।